मैं आया हूँ। अरसू, हमारे यहाँ आने का रीजन एक मेला है जिसका नाम है झीरू मेला। इतने खूबसूरत पहाड़ है यहाँ के, हमने वहाँ जाना है। ये रही वो श्रीखंड वाली पहाड़ी। गाइस अब हम जा रहे हैं सरान की तरफ। दिखाई दे रहा है ये जाएगा सरान की तरफ। फाइनली पहुंच चुके हैं, सरान। और ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये वैली है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत। ऐसे लगता है जैसे भगवान ने अपनी हथेली पे इस गाँव को यहाँ पे बसाया है। और अभी यहाँ पीछे मैं आपको एक ग्राउंड दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। थोड़ी देर में आप बहुत ही अमेजिंग विटनेस करने जा रहे हो। गाइस अभी हम जा रहे हैं शाना ऋषि के मंदिर, जो कि यहाँ के कुल देवता है सरान के। हाँ, तो और काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। कितने इंटीरियर इलाके में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुविधाएं हैं। और अभी बस हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। पापा और अंकल जी आगे जा चुके हैं, और मेरे साथ अभी नीरज भैया और मम्मी पीछे आ रहे हैं। तो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं मंदिर, और मंदिर भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उसके बाद हम जाएंगे ग्राउंड में, जिसकी वजह से ये फेमस है ये जगह। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वो आप देखोगे तो खुद ही जान जाओगे। तो चलिए, यहाँ पे कुछ चला हुआ है फंक्शन, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस ये रहे यहाँ के कुल देवता, और आज इस मेले की शुरुआत हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मेले का नाम है झीरू मेला। और इसके बाद हम वहाँ जाएंगे उस जगह, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वो भी आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे गाइस इस जगह की खूबसूरती देखकर। और मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि इस जगह ज़रूर आएँ, लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर आना। पर अगर आप एक बार यहाँ आते हो तो आपका मन करेगा कि आप बार बार यहाँ आओ। और इतनी अच्छी जगह है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ से मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। ओह, अपने कुल्लू में ये जगह है गाइस, और मैंने आज तक ये जगह नहीं देखी। वाह, तो गाइस अभी कुल देवता जी हमारे मंदिर से बाहर निकले थे, और वो सामने रहा मंदिर। काफ़ी ये भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, पूरे गोल्डन कलर्स में से। और ये आप देख सकते हो अभी लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। अभी तो ये सिर्फ गांव के लोग हैं, और अभी काफ़ी लोग बाहर से आते हैं इस मेले को देखने के लिए। काफ़ी फेमस है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और इसीलिए मेरा पर्पस इस व्लॉग को बनाने का ये भी था कि मैं आप सबको इस मेले के बारे में बताऊं, और आप फ्यूचर में आके इस मेले का आनंद उठा सके। और ये आप देख सकते हो कि कितना क्रेज़ है इस मेले का यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगा आज मुझे कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का। अभी मैं बस 3-4 दिन की छुट्टियों पे गांव आया था, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अचानक ये प्लान बन गया हमारे यहाँ आने का मम्मी पापा के साथ। तो अभी मैं आपको आगे का भी दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे होता है, पूरा प्रोसीजर इस मेले का। अभी देवता जी इस रास्ते से होते हुए आगे जाएंगे, और जो ग्राउंड मैं आपको बता रहा था वहाँ के लिए भी ये देवता जी जाएंगे। बाबा ये रहा है यहाँ का मंदिर, और पूरा मंदिर गोल्डन कलर में ही पेंट किया हुआ है। काफी यूनिक और अच्छा लग रहा है देखने में। सो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ सामने जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये माता का मंदिर है। अभी यहाँ के कुल देवता जी माता जी से मिलेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो वो ग्राउंड जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और काफ़ी आगे तक ये ग्राउंड फैला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है गाइस, बिल्कुल सीधे खड़े पहाड़ों के सामने ये प्लेन मैदान। ये देख सकते हो वहाँ तक, ये ग्राउंड वहाँ तक फैले हुए, बिल्कुल उस पहाड़ के जो बेस है वहाँ तक। इस ग्राउंड को बागा कहा जाता है, जिस वजह से इस जगह का नाम ही बागा सराहन पड़ गया है। एक्चुअली हिमाचल में दो सराहन है, शिमला वाला और कुल्लू।
और एसटीडी ये भी यूट्यूबर्स आने वाले सेलिब्रिटी दोनों यूट्यूबर्स हैं। मैं तो पहले एक अपकमिंग है एक मैं तो पहले से हूं ना। देखो सारे नीरज भाई नीरज भाई सेलिब्रिटी है यहाँ पे पहले से इनके यहाँ पे काफी सारे रिश्तेदार हैं तो ये काफी लोगों को जानते हैं। इंस्पायर हुआ है ये राम माता का मंदिर जो तो गाइस ये आप देख सकते हो ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये चारों तरफ फैला हुआ ये ग्राउंड। और गाइस यहाँ पे रुकने के भी काफी अच्छे इंतजाम है काफी सारे गेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पे प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज तो आप यहाँ पे आके ये सब रुकने का प्रबंध कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो बच्चे ये एक छोटा सा पेड़ लेके आ रहे हैं इसे कहते हैं पढ़ाई जो कि मंदिर के सामने अभी लगेगी और यहाँ पे साथ में ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी चला हुआ है ये क्रिकेट का मैच चला हुआ है तो ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि यहाँ पे एक साथ चार या पांच क्रिकेट मैच कंडक्ट हो सकते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ना चल चुके हैं ये ग्राउंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसके बाद यहाँ पर पीछे एक वाटरफॉल है वहाँ जाने की भी कोशिश करेंगे आज अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो। गाइस वो रहा वो वाटरफॉल अगर मौसम साफ़ रहा तो आज ही हम वहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि कल हमें वापस भी निकलना है घर के लिए। तो गाइस फाइनली मैं और नीरज भैया जा रहे हैं वाटरफॉल और यहाँ से हमें वहाँ तक पहुँचने में लगभग एक घंटा लग जाएगा क्योंकि भैया बता रहे हैं रास्ते में कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का भी व्यू लेना ज़रूरी है। और अभी फिलहाल ये रास्ता आप देख सकते हो उबड़ खाबड़ है मैं यहाँ पे गिरना नहीं चाहता हमारा प्लान चौपट हो जाएगा इसीलिए मैं डेस्टिनेशन आ गई है हमारा जंगल। हाँ जंगल तो पहुँचने वाले हैं गाइस उस जंगल के पास मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का व्यू काफ़ी घना लग रहा है जंगल पूरा देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ और यहाँ आके आपके जाने का मन नहीं करेगा वापस और बहुत ही प्यारी जाना पड़ेगा। गाँव वाले रहने नहीं देंगे और गाइस खुद ही देखिए ये पहाड़ इतनी अच्छी जगह मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी जहाँ पे पहाड़ और प्लेन जो ग्राउंड है एक साथ आपको मिलेगा। इसकी थोड़ी बहुत झलक आपको धर्मशाला में मिल जाती है बट वो उतना भी प्लेन नहीं है धर्मशाला खजियार बट जो ये है खजियार भी इतना बड़ा नहीं है ग्राउंड छोटा है। हाँ पर ये आज तक का सबसे बड़ा ग्राउंड है जो मैंने देखा है पहाड़ों के बीच तो आप आ सकते हो मैं आपको पूरा जो यहाँ आने का रूट है वो बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। और बात करते करते हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है जंगल काफ़ी घना जंगल ये पीछे आप देख सकते हो और अभी मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाता हूँ। गाइस काफ़ी खतरा है इस जंगल में जाने में यहाँ पे भालू भी मिलते हैं भैया बता रहे अभी तो कोई एस्केप प्लान है आपके पास? ये भी सुना ही है एस्केप प्लान है। हाँ क्या करना होता उस वक्त भागो भागो बस भागो। तो गाइस ये है नेचुरल वाटर जो कि काफ़ी ठंडा है आजकल गर्मियों के मौसम में और तो अभी हम पहुंचने वाले अपने सेकंड चेक पॉइंट पे जो कि बहुत ही खूबसूरत चेक पॉइंट है इसके बारे में भैया थोड़ा बताएंगे बताओ थोड़ा डिटेल में जगह का नाम क्या है और क्या है ये डेस्टिनेशन हमारी बताओ जो आने वाली जगह है इसका नाम है थाचेधार इसको छोटा बागा के नाम से जाना जाता है। अच्छा हाँ और ये टूरिज्म प्लेस में भी इंक्लूडेड है। अच्छा जब हम मिसरान आते हैं तो यहाँ आना अनिवार्य है इसके बाद जो तीन डेस्टिनेशन एक बागा हाँ। जो सीधे दिखता होगा दूसरा थाचेधार हाँ तीसरा वाटरफॉल। ओके सांसें थाम कर रखिए हम बस पहुंचने वाले हैं। सो गाइस फाइनली ये हम पहुंच चुके हैं अपने छोटे बागा में वाह एक जंगल के बीच एक छोटा सा प्लेन एरिया जहाँ पे कि काफ़ी लोग कैंपिंग करने आते हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो बोन फायर वहाँ पे किसी ने हाल ही में भी यहाँ पे पिकनिक मनाई है या कैंपिंग की होगी रात में। और वो सामने रहा वाटरफॉल बस यही हो के हम आगे जाएंगे जो हमारी थर्ड डेस्टिनेशन हाँ फाइनल थर्ड और फाइनल डेस्टिनेशन।
अगर फाइनल है तो हम आगे जोत जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे नहीं, आज हमारे पास टाइम नहीं है, यहीं तक आज हम यहीं तक जाएंगे, बोलेंगे फाइनल ही बोल सकते। हाँ, बल्कि इससे आगे भी काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस हैं जो आप पहाड़ देख रहे हो, जिसके टॉप तक जाते हैं इसी रास्ते से। कम से कम 4-5 दिन के लिए आना पड़ेगा। हाँ, तभी हर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से ना। एक्सप्लोर हाँ, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। एक दिन तो आपको वो जो ग्राउंड था वहाँ पे वही घूमने में लग जाएगा। थोड़ा क्रिकेट खेल लो, वॉलीबॉल लेके आओ। हाँ, सब कुछ। तो फिलहाल हमने यहाँ पे अपना पहला ब्रेक लिया है और अब दूसरा ब्रेक तो वहीं पे लगेगा, देखते हैं वाटरफॉल के पास या बीच में कोई और भी। यहाँ पे इस पेड़ के पास आएंगे। अच्छा, वहाँ वहाँ पे एक सामने एक पेड़ है, काफ़ी यूनिक चीज की स्टैम दिखाई दे रही है। बनी है इसी के अंदर। अच्छा, गुफा बनी है, मतलब पूरा खाली है अंदर से। अच्छा, अंदर होके क्रॉस कर सकते हैं। तो इसकी जो करेंगे अभी स्टैम है ये पूरी तरह से खाली अंदर से, तभी हम उस पेड़ के पास जाएंगे और वहाँ पे जाता था कि इस पेड़ में वहाँ पे हम रहा करते थे। क्या? भालू वगैरह रहा करते थे इस पेड़ में। अच्छा, अभी दिखाएंगे इसको। हाँ, तो चलते हैं उस पेड़ के पास। काफी स्लोपी रास्ता है, काफी